हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पिटूनिया के लिए प्राथमिक खिलने का मौसम जो है वो गर्मियों में होता है। हालांकि बहुत से लोगों की एक ये क्वेरी होती है कि मार्च में उनके पिटूनिया का जो पौधा है वह ख़राब होने लगता है, उसमें फ्लावरिंग कम आने लगती है, तो किस तरीके से हम अपने पिटूनिया का ख्याल रखें ताकि मार्च अप्रैल तक हम इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ ज़रूरी टिप्स और ज़रूरी बातों का ध्यान रख के हम अपने पिटूनिया के प्लांट को आने वाले अभी एक दो महीने तक बहुत ही हरा भरा बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पिटूनिया का प्लांट है, बहुत ही हरा भरा है और कहीं से ख़राब नहीं हो रहा। किस तरीके से मैं अपने पिटूनिया के प्लांट का ख्याल रखती हूँ, आज के इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अत्यधिक गर्मी भी जो है पिटूनिया के लिए सपोर्टिव नहीं होता है। ज़्यादा गर्मी में पिटूनिया का जो प्लांट है वह ख़राब होने लगता है। यदि आपके पास पिटूनिया का प्लांट पहले से है, यानी कि नवंबर दिसंबर में ही जब आपने लगाया होगा, अब आप देखोगे उसके पत्ते कहीं कहीं से ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहली एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो आपके पास पहले से पिटूनिया का प्लांट है उसके लिए डेड हेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और हमारे पिटूनिया का प्लांट जो है, या हमारा कोई भी प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट है, वह ख़राब होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी डेड हेडिंग करें। आप कैंची की सहायता से काटें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप इस तरीके से ना करें। लेकिन वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था और सीज़र यहाँ नहीं है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप इस जो ये फूल खिल चुके हैं, यदि आप इसमें ही छोड़ देंगे तो ये अंदर ही अंदर पक कर इसके बीज तैयार हो जाएंगे मैच्योर होकर। आपको पता ही है पिटूनिया को बीजों से भी उगाया जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पिटूनिया का प्लांट ख़राब ना हो, तो मार्च में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये करें कि इस पर डेड हेडिंग करें। जो भी फूल खिल चुके हैं आप उन्हें हमेशा रेगुलर बेस पर कट कर दिया करें। दूसरी चीज़ क्या है, पिटूनिया की जड़ें नीचे तक नहीं जाती, ये हम सबको पता है। तो हम अपने कंटेनर को जड़ों के नीचे, यानी कि जो पिटूनिया का प्लांट है उसकी जड़ों के नीचे हम नहीं देखते हैं कि ये प्लांट कहीं नीचे से इसकी पत्तियाँ सड़ तो नहीं रही हैं, फंगस तो नहीं लग रही, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मिट्टी में लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि हम वाटरिंग और फर्टिलाइज़र का ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन ये इसके पत्ते नीचे से ख़राब हो रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे पिटूनिया के लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिस कंटेनर में आपने नवंबर दिसंबर से लगा रखा है, अब उस कंटेनर को चेक करने की बारी है मार्च में। जो भी प्लांट है आप उसे, यदि आपने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है या टेरेस पर या जहाँ भी, उसे लेकर के पहले चेक कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूट रॉट हो रहा है, जड़ें भर गई हैं, मिट्टी ऊपर से सख्त हो गई है, आप वाटरिंग कर रहे हैं तो ऊपरी सतह सिर्फ गीला होकर रह जाता है। फ्रेंड्स, देखो, ये पिटूनिया का प्लांट है, ये खिल चुके फ्लावर हैं, इसमें बीज इसके तैयार हो रहे हैं। मैंने एक दो छोड़ दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, हालांकि मैं बीजों से कम ही उगाती हूँ किसी भी प्लांट को, क्योंकि बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता है उसके लिए और कलर भी हम कई बार भूल जाते हैं कि किस कलर के बीज डाले हैं हमने। तो ये इस तरीके से यदि आप अपने पिटूनिया के फ्लावर को डेड हेडिंग नहीं करोगे, उसमें ही रहने दोगे, तो उसमें एक आप फ्लावर हटाने के बाद आप देखोगे एक अंडे शेप में ऊपर से सीड पॉट बन रहा होगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा उसे आप फोड़ दोगे तो वहाँ से छोटे छोटे, बिल्कुल राई से भी छोटे दाने इसके बीज बनकर तैयार मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मार्च में आप कंटेनर को चेक कीजिए कि इसके, हालांकि पिटूनिया को रूट रॉट पसंद है लेकिन जड़ों तक उर्वरक का पहुंचना, वाटरिंग का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, पिटूनिया के पौधे को अभी स्प्रिंग सीजन में नियमित तौर पर पानी देना ज़रूरी है और सभी जगहों पे धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि डेली वाटरिंग करें। इससे इसकी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी। आपने जब मिट्टी बनाया होगा तो वेल ड्रेन, देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसमें सीड पॉट तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स,
अभी आने वाले 2-4-10 दिनों के बाद यानी मार्च के मंथ में ही पिटूनिया को दोपहर के धूप से आपको बचाना होगा यदि आप चाहते हैं प्लांट स्वस्थ रहे और अभी इसमें फ्लावरिंग होता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले डेड हेडिंग करने के बाद कंटेनर को चेक कीजिए। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसको, ये प्लास्टिक के पॉट में ही था फ्रेंड्स, ये पुराना प्लांट है मेरा, आप लोग देख रहे थे। मैं पिटूनिया को बहुत ज़्यादा रिपॉट करने के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि पिटूनिया की एक खास बात है कि यदि इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब कर देते हैं तो इसमें दोबारा फ्लावरिंग लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पिटूनिया को ज़्यादा रिपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सीजन एक 5 इंच के कंटेनर में निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स आप पहले अपने पॉट को चेक कर लीजिए और जितने भी पत्ते जो नीचे मिट्टी में लग रहे हैं, जो फंगस का कारण है, क्योंकि ये मंथ होता है जब आपके प्लांट में फंगस बहुत ही ज़्यादा लगना शुरू होता है और एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ख़राब करती है, तो सबसे पहले उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए, रूट बॉल को डिस्टर्ब ना कीजिए। नीचे से थोड़ी सी मिट्टी आप, जैसे मैं हटा रही हूँ, आप हटा सकते हैं। इसके बाद आप फ्रेश सॉइल में इसे रिपॉट करें। फ्रेंड्स जब कभी भी आप इसके पिटूनिया के लिए आप सॉइल तैयार करें तो नीम की खली मिलाना ना भूलें। यदि आपने नवंबर दिसंबर में नीम की खल मिलाया भी होगा तो भी अभी ये मार्च के मंथ में एक बार ऊपर से 2-2 इंच की गुड़ाई करके एक मुट्ठी नीम की खली ज़रूर आप अपने सभी पिटूनिया के प्लांट में दे दीजिए। पिटूनिया का जो पौधा होता है एक हल्की उपजाऊ मिट्टी को पसंद करता है जो अच्छी तरह वेल ड्रेन हो, जल की निकासी अच्छी तरह हो, वाटर लॉक्ड ना हो कभी। जब तक ये अच्छी तरह से जल निकासी कर रहे हैं ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी को सहन कर सकते हैं और इन्हें थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, यानी कि 6-7 के बीच में आप मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि एसिडिक सॉइल में इसकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। जैसा आप देख रहे हो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं खाद के तौर पर और नीम की खल तो बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास यदि कोई लिक्विड पेस्टिसाइड है या फिर घर के बने हुए यदि आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या किसी तरीके के फंजिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जो होममेड है, मेरे चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियोस हैं कि किस तरीके से घर में हम एक अच्छा होममेड पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्तियों से भी रेडी कर सकते हैं, उसका एक अच्छा सा घोल बना करके हर एक 5-6 दिनों पर, 15 दिनों पर नहीं फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, 5-6 दिनों पर आप स्प्रे कर दिया करें। इससे आपके पिटूनिया का पौधा जो है वह स्वस्थ भी रहेगा और इसके पत्तों पर जो धीरे धीरे पत्ते ड्राई होने लगते हैं, प्लांट को ख़राब करने की तरफ बढ़ते हैं, इसके पत्तों पर जो फंगस बहुत जल्दी लग जाती है उस समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। फ्रेंड्स ये भी मेरे पिटूनिया का प्लांट है जो मैंने शायद अक्टूबर के एंड में लगाया था और कटिंग से ग्रो किया था। इसका जो मेन प्लांट है वो कहीं और लगा हुआ है दूसरी बालकनी में। आप देखो इसकी मिट्टी इतनी टाइट हो गई है कि यदि मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ या फिर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो कभी भी वो फर्टिलाइज़र जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मार्च का ये समय होता है जब हमें अपने सभी प्लांट को बहुत ही अच्छे से, खासकर जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक अच्छी तरीके से देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके भी पिटूनिया का प्लांट इस तरीके से ऊपर से सख्त हो गया है तो आप एक बार बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए उस गमले से निकाल कर उसमें फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। सॉइल में नीम की खल और वर्मी कंपोस्ट मिलाना कभी भी ना भूलें फ्रेंड्स। इससे एक तो मिट्टी अम्लीय बनी रहेगी यानी एसिडिक भी बनी रहेगी और नीम की खली जो है ये पौधों में फंगस लगने की समस्या से छुटकारा भी देगा। पिटूनिया के लिए आदर्श तापमान दिन के दौरान लगभग 75 डिग्री फॉरेनहाइट और रात में 55 से 65 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। वे तापमान को लगभग 40 डिग्री फॉरेनहाइट तक सहन कर सकते हैं लेकिन ठंड का तापमान नुकसान पहुंचाएगा और अंत में पौधे को
मार देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब फ्रॉस्ट हमारे यहाँ था यानी कि दिसंबर वगैरह में, उस समय भी पिटूनिया को बचाने की ज़रूरत थी। यदि हम ये डिस्कस करते हैं, जैसा कि एक क्वेरी थी मेरे पास कि पिटूनिया के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है, तो संतुलित उर्वरक के साथ आप पिटूनिया को जब लगा रहे हैं तो एक अच्छी मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करें, फिर आप इसमें यानी कि स्प्रिंग में आप सप्ताह में दो बार कोई अच्छी सी एक फर्टिलाइज़र लाइक वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, या फिर जो घर में केले के छिलके से बनी हुई खाद होती है या ओनियन पील फर्टिलाइज़र जो हम रेडी करते हैं वो दे दीजिए। फ्रेंड्स, आप एक चम्मच बोन मील भी दे सकते हैं, इससे आपको फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, यानी कि जो राइस वाटर होता है, मेरे चैनल पर एक दो वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है कि राइस वाटर से स्प्रे करने से, यानी चावल का पानी जो धोने के बाद हम वॉश करते हैं जब राइस को और वो पानी को फेंक देते हैं, तो उस वाटर को जब हम स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पर, तो ये बहुत ही अच्छा एक पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स, ये मैं अनुभव से आपको बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा काम करेगा और आपके पिटूनिया का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। पिटूनिया को अभी तो आप पूरे दिन के धूप में रखिए, हर एक वीक आप इसे फर्टिलाइज़र दीजिए और पेस्टिसाइड ज़रूर दीजिए, लिक्विड फॉर्म में दें या घर का बना हुआ हो। और यदि आपके पिटूनिया का प्लांट स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, तो ऊपर से 2 इंच गुड़ाई करके आप नीम की खल ज़रूर डालें, तो इससे आपके प्लांट की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो लाइफ है, वह बढ़ेगी और अभी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। डेड हेडिंग बहुत ही अच्छा काम करता है, डेड हेडिंग ज़रूर किया करें पिटूनिया के प्लांट में। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।